हेलो किड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूज क्लास। आज हम क्लास वन की इंग्लिश की टेस्ट लेंगे। लेट्स सी योर प्रोग्रेस। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतने ही जल्दी हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। So let's see our first question. Circle the noun in each sentence. What are nouns? Noun is the name of a particular person, place, animal or thing in general. ये तो मालूम है ना सबको? तो यहाँ पे हमें सिर्फ noun को ही circle करना है. First is the dog jumps. Dog is animal, so it is a noun. So I will circle here dog. Next, the fish swims. Again, fish is animal. So I will circle fish. Next, the flower is beautiful. What is beautiful? Flower. So flower is a thing we can say. Hai na? So I will circle flower. Next, the book is on the table. Here there are two nouns, book and table. Both are things. So I will circle both. Next, the doctor gave me pills. Doctor, person, and pills, thing. So here also I will circle both doctor and pills. Now move to our next section. Add A or N before the words. What are A or N? Articles. Articles कहाँ लगता है? जो आर्टिकल A होता है वो कंसनेंट के पहले लगता है और जो N होता है वो वॉवल साउंड के पहले लगता है, मतलब A, E, I, O, U के पहले हम N यूज करते हैं। First, dash boy. B is consonant और ये कंसनेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? A boy. नेक्स्ट डैश वुमैन, कंसोनेंट साउंड डब्ल्यू, सो अ वुमैन. नेक्स्ट डैश एवोकाडो, वॉवल साउंड ए, सो एन एवोकाडो. नेक्स्ट डैश बॉल, बी कंसोनेंट अ बॉल. डैश आउल, O is vowel, so I will write here an owl. Dash pen, P consonant, so answer will be a pen. Dash elephant, elephant vowel, answer will be an elephant. So यहाँ तक जिन बच्चों ने किया वो है genius. Now move to our next section. Fill in the blanks with is, am, are. यहाँ पे आपको is, am और are से fill करना है. Is कहाँ use होता है? Singular में. Are होता है plural में. और am का use हम I के साथ करते हैं. So let's see. He dash a boy. He is a boy. Myra dash in the pool. Myra भी singular है. इसके पहले वाले question में ही singular था, इसलिए वहाँ is लगाया. So Myra is in the pool. You dash eating snacks. You singular और plural दोनों में ही हम उसके साथ are लगाते हैं. Answer will be you are eating snacks. I dash a lady. I के साथ हमेशा क्या लगता है? Am. So answer will be I am a lady. He dash eating breakfast. He is singular noun. So he is eating breakfast. या she होता तो भी easy लगता. Singular के साथ is लगता है. I dash going to park. I am going to park. I के साथ am लगता है. Next. They dash my friends. They मतलब ज़्यादा लोग हैं,
So they are my friends. Now move to our next section. Complete the word by adding IT and IG. यहाँ पे आपको छोटे छोटे वर्ड्स बनाना है IT और IG जोड़ करके मीनिंगफुल वर्ड. फर्स्ट बी IG बिग. नेक्स्ट डी IG डिग. नेक्स्ट एफ IG फिग. फिग मतलब अंजीर. नेक्स्ट एस IT सिट. नेक्स्ट EX IT exit. L IT lit. And last one P. P के साथ क्या लगेगा? PIG pig. वैसे PIT pit भी सही होता है, आप दोनों में से कोई भी एक लगा के लिख सकते हैं. तो ये वाला सेक्शन भी हमारा फिनिश हुआ. मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन ईच सेंटेंसेस. व्हाट आर प्रोनाउंस? वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. मतलब नाउन के बदले जो हम यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. फर्स्ट आई लाइक ईटिंग चिप्स. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई है ना, किसी का नाम नहीं है तो उसके बदले यूज हो रहा है आई. सो आई विल अंडरलाइन आई. नेक्स्ट दे वेयर यूजिंग पेंस. हियर दे आई विल अंडरलाइन दे. हर नेम इज सारा. उसका नाम सारा है. हर इज यूज्ड एज प्रोनाउन. सो हियर आई विल अंडरलाइन हर. नेक्स्ट इट इज ब्यूटिफुल. इट इज प्रोनाउन हियर. नेक्स्ट हिज बॉल इज रेड इन कलर. हिज बॉल उसकी बॉल. सो हिज इज ऑल्सो ए प्रोनाउन. इट इज वेरी हॉट. बहुत गर्मी है, यह बहुत गर्म है. सॉरी, तो क्या होगा प्रोनाउन यहाँ पे? इट. नेक्स्ट शी इज ईटिंग चीज. वह चीज खा रही है. किसी का नाम नहीं है यहाँ. सो प्रोनाउन विल बी शी. आई विल अंडरलाइन हियर शी. तो होप आपको प्रोनाउन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा. यहाँ तक के तो वर्कशीट बहुत सिंपल था. जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है वो आज के चैम्पियन हैं. ये उनकी ट्रॉफी. अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.